हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी। परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्री केयर पी टैबलेट। सो गाइस, आज हम बात करेंगे ट्री केयर पी टैबलेट के बारे में, जो कि लीफोर्ड कंपनी की आती है। अब मैं इस वीडियो में किसी भी कंपनी को एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ। सो ट्री केयर पी टैबलेट के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले इस टैबलेट के वर्क के बारे में कि ये टैबलेट किस तरह से वर्क करती है, और देन आफ्टर दैट हम जानेंगे इस टैबलेट के यूजेस के बारे में कि इस टैबलेट के क्या यूजेस रहते हैं, इस टैबलेट को हम किस तरह के पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, या किस तरह की बीमारी में इस टैबलेट को खाया जा सकता है या प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, और जानेंगे कि आफ्टर यूजिंग इस टैबलेट के क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, यानी इस टैबलेट को लेने के बाद में हमारी बॉडी पर क्या क्या नुकसान पहुँचा सकती है उसके बारे में जानेंगे, या हम कह सकते हैं दर्द में खाई जाने वाली टैबलेट। सो इन सभी को आज हम कवर करेंगे वन बाय वन इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर आपको मेडिसिन से रिलेटेड किसी भी तरह की टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या किसी भी मेडिसिन पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएँ। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे सबसे पहले इस टैबलेट के वर्क के बारे में कि किस तरह से वर्क करती है, या इसका किस तरह से हमारी बॉडी पर वर्क रहता है। तो बेसिकली जो ट्री केयर पी टैबलेट होती है, ये टू मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में आती है, या हम कह सकते हैं ये दो मेडिसिन से मिलकर के बनी है, जिसमें इसके अंदर जो मेडिसिन होती है पैरासीटामोल और एसीटामिनोफोन और ट्रामाडोल होती है। एसीटामिनोफेन एक एनाल्जेसिक होती है, जिसे हम पेन रिलीवर के तौर पर यूज कर सकते हैं, जो पेन प्रोड्यूस करने वाले कुछ केमिकल्स को ब्लॉक करके वर्क करती है। ट्रामाडोल एक ओपियोइड एनाल्जेसिक है, जो कि पेन रिलीवर होती है, जो दर्द के एहसास को कम करने के लिए ब्रेन तक पेन के सिग्नल्स को ब्लॉक करके वर्क करती है। सो अब हम बात करेंगे इस टैबलेट के यूजेस के बारे में कि इस टैबलेट का मेनली कहाँ पर यूज कर सकते हैं, किस तरह के पेन में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम बात करते हैं इसकी, तो यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ मसल्स पेन या हैवियर पेन। मसल्स पेन्स जो आपकी बॉडी के जो मसल्स होते हैं उसमें अगर आपको दर्द रहता है, तो उस कंडीशन में आप इस टैबलेट को यूज कर सकते हैं, या डॉक्टर भी आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और यह आपको ज़्यादा ही हैवी पेन रहता है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को खा सकते हैं, या पेशेंट को दी जा सकती है। सो अब हम बात करेंगे कि आफ्टर यूजिंग इस टैबलेट के हमारी बॉडी पर क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, यानी किस तरह से हमारी बॉडी पर नुकसान पहुंचाती है, क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है। सो सबसे पहला जो इसके अंदर देखा गया है, नोजिया होने लगती है पेशेंट को इस टैबलेट को लेने के बाद में, यानी कि जी मचलाने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है। कुछ कुछ पेशेंट इस टैबलेट को खाने के बाद में कह के उल्टियाँ भी कर देते हैं। डिजीनेस होने लगती है, डिजीनेस में चक्कर से आने लगते हैं, और कॉन्स्टिपेशन भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी पेशेंट को कब्ज़ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमने आपको बताए हैं ट्री केयर पी टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। सो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेडिसिन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वंस अगेन।